फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि आपको मैं आपको बता सकूं कि बायोलॉजी में आप कैसे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का मेथड आपको बताऊंगा, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं जी वीडियो पे। जी, अगर आपके पास बायोलॉजी का पेपर आया है, चाहे वो मैट्रिक का है चाहे वो एफएससी का है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक पेपर आता है, 15 मिनट का टाइम होता है, एमसीक्यूज वाला, ऑब्जेक्टिव पार्ट इसे कहते हैं जी। तो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपको जो एमसीक्यूज आते हैं, 1, 2, 3 एट्सेट्रा जो भी आते हैं, सबसे पहले आपने उनको सॉल्व करना है, यानी कि आपने वो सर्कल करने होते हैं, फिल करने होते हैं ऐसे करके। तो अच्छे तरीके से उसको सर्कल आउट करें जी। तो इसके बाद आपको मसलन आपको 15 में से 10 आते हैं, आप 10 वो हल करेंगे और जो बकिया बचेंगे वो कैसे करने हैं सॉल्व, वो ऐसे करने हैं कि अपने माइंड को सोचना है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास हैं, A, B, C। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मसलन आपको ए पे डाउट है कि ये है ठीक, लेकिन साथ ये भी लग रहा है कि बी है, तो सबसे पहले आप दुरुस्ती पढ़ लें कि इसमें से ये ठीक हो ये ठीक हो, तो अल्लाह पाक जो है मेहरबानी फरमाता है, तो आप ए वाला लगा दें अगर आपको ज़्यादा फोकस है कि ये वाला करेक्ट है। तो अगर आप यानी कि आपको 70% जिस पे डाउट होगा वो ही होगा, तो उस पर आपने क्या लगाना है, टिक लगाना है। अब चलते हैं जी, ये तो हो गया एमसीक्यू का, आपने कैसे सॉल्व करना है। चीटिंग नहीं करनी, मैं चीटिंग का आपको मशवरा नहीं दूंगा, खुद करना है आपने। और नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर, शार्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय, जैसे यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की, होम्योस्टेसिस, सवाल आता है व्हाट डू यू नो अबाउट होम्योस्टेसिस या डिफाइन होम्योस्टेसिस, तो अगर आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बजाय इसके कि आप वो लिखें, सबसे पहले आप सेक्शन 1 लिखेंगे जिस सेक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर शार्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये मार्कर से लिखना है आपने, ये दोनों चीज़ें मार्कर से, ब्लू से या ब्लैक मार्कर का यूज़ करना है। तो इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1 पे जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो होम्योस्टेसिस है, तो आप छोटा सा क्यू लिख लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 इतना आपने लिखना है, जस्ट पूरा लिखने के बजाय, और एक जो इसकी मेन हेडिंग होगी वो यूज़ करनी है, होम्योस्टेसिस चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि इसने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जी, मेंटेन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर जो भी है, ठीक है जी, यहाँ तक डेफिनेशन लिख ली। आपको क्वेश्चन की नौबत को समझना है, अगर उसने पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट होम्योस्टेसिस, तो आपने इसको कम्प्लीट लिखना है, यानी इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, आपको वो नंबर नहीं काटेगा, बल्कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे नंबर आपको पूरे मार्क्स देंगे। अगर आपको क्वेश्चन लिखा हो डिफाइन, यानी कि उसको डिफाइन करें, तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन करनी है, इसमें यहाँ पे एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट करनी है, आपको वो रॉन्ग नहीं करेगा। बाज़ों का सवाल आ जाता है कि एक्सप्लेन या ब्रीफली, उसमें भी आपने कम्प्लीट लिखना होगा, यानी कि उसकी पूरी डिटेल लिखनी होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आपने सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 एक दफ़ा आप लिखेंगे पूरा, आप पूरा लिख सकते हैं ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक्शन 1 का क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप क्वेश्चन सिर्फ क्यू लगा लें, Q और 2, यानी कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसको हेडिंग दें। अगर आपके वहाँ पर रोमन गिनती लिखी तो आप ये वाला लगाएंगे, अगर वहाँ पर ये लिखा है इंसा तो आपने ये लगाना है, यानी जो पेपर पे लिखा हो वही आपने मेंशन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल है डिफरेंट वाला, डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम, ये सवाल फर्ज किया आ गया है, डिफरेंट बिटवीन बोलस एंड काइम, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले बोलस की डेफिनेशन लिख दी, फिर नीचे जाके उसकी काइम की लिख दी, बल्कि आप ऐसा करें कि दो आप ऐसे करके छोटे बॉक्सेस बना लें, अब उसके अंदर एक के अंदर आप बोलस की डेफिनेशन लिख दें, एक के अंदर आप काइम की डेफिनेशन लिख दें, तो चेक करने वाले को मुश्किल नहीं होगी चेक करने में, और वो इजीली इसको चेक कर लेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप क्वेश्चन गलत लिख देते हैं, मसलन बोलस और काइम है, तो बोलस ठीक लिख दिया, काइम आपने गलत लिख दिया, यानी कि डेफिनेशन गलत लिख दी, चेक करने वाला सिर्फ क्या देखेगा, आपके अच्छी तरतीब बनी हुई, डिब्बा बना हुआ है, ये ठीक किया है, तो वो कहेगा ये भी ठीक ही होगा, तो वो बाज़ औक़ात पूरे नंबर दे देता है 2 मार्क्स, लेकिन अगर चेक कर ले तो फिर भी वो कहेगा कि बच्चे ने ट्राई किया अच्छी, गलत भी लिखा हो तो आपको 1.5 नंबर दे देगा। तो आपने ऐसे करके लिखना है कि उसको बॉक्सेस के अंदर लेके जाना है। बाकी जी आप क्वेश्चन, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे या फिर नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, वो उनको सेपरेट सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ऊपर सेक्शन लिखने होंगे, फिर जाके क्वेश्चन लिखने। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन पर।
जी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले जी आपको जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से, जिनके दोनों पार्ट आते हों, ए वाला भी बी वाला भी, ये नहीं कि आपको एक आता है एक नहीं आता तो आप कहेंगे कि जी हम तीनों ही कर दें। जो पार्ट आता है ए बी दोनों आते हैं तो वो सॉल्व करें आप। सबसे पहले इसको सॉल्व करें क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि डिस्कस किडनी प्रॉब्लम, ये फ़र्ज़ क्या कुछ सवाल आ गया तो आपने इसको पूरा राइट करना है, ना कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ही दफ़ा लिखा जाता है, शॉर्ट तो बार बार आ रहता है, 32 क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर इनके आगे डिटेल बतानी। किडनी प्रॉब्लम, सबसे पहले आप किडनी के बारे में बता दें, किडनी क्या चीज़ होती है, फिर प्रॉब्लम बता दें कि प्रॉब्लम कौन से हैं, कौन से यूरिन स्टोन बनते हैं उसके नाम बता दें, इनको आप सेपरेटली ऐसे करके ना हेडिंग बनाते जाएँ, चेक करने वाले को कोई मुश्किल नहीं होगी, और एंड पे जाके इसका ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चेक करने वाला आपकी मेन हेडिंग देखेगा ना कि पूरा क्वेश्चन देखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो जो मेथड है जिसमें आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स बना सकते हैं पसंद आएगा, तो आपने थोड़ा सा इस पर तवज्जो से सॉल्व करना है पेपर को, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चाहे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन ये मेथड अगर आप अपना लें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को मार्क्स का यूज़ करना है, मार्कर का यूज़ करना है, और जो पेन से आपने आंसर लिखना है। थैंक यू वेरी मच।